क्या इस 21st सेंचुरी में शिवा रेलेवेंट है? क्या शिवा हमें नशे करना सिखाते हैं? या उन्होंने हजारों साल पहले कहानियों के थ्रू सिखाए हुए प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? मैंने इस साल की शुरुआत में यही सवाल खुद को पूछे और पिछले कुछ दिनों से डेडिकेटेडली शिवजी को स्टडी किया, उनकी कहानियों का मीनिंग समझा और उन्हें 21st सेंचुरी के लिए आपके लिए रेलेवेंट बनाया। आज मैं आपके साथ बस 3 सीक्रेट मैसेजेस शेयर करना चाहता हूँ। ये कोर मैसेज 2 तरह के लोगों के लिए, एक जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं और दूसरे जो स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ये 3 कहानियां और उनके ये 3 लेसन्स हर उस इंसान के लिए रेलेवेंट है जो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना चाहता है। अगर आप एक स्टूडेंट है या एम्बिशियस है या अपनी लाइफ पर एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां आप कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। गारंटी है कि आपको आपके अगले स्टेप की आइडिया आ जाएगी। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, इन सारे वीडियोस में हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे एंशिएंट नॉलेज को आज के लिए हम रेलेवेंट बनाएं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। लेसन 1, अंधेरा बुरा नहीं है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज है लाइट, यानी फोटोन। 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद सूरज की एक किरण को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लाइट पैदा कैसे होता है? हमारे सूरज के अंदर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की एक आग, जिस आग में एटम्स पिघलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगते हैं, जिसे फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में हीट और लाइट पैदा होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लाइट इमीडिएटली हमें दिखने वाला, इस पूरी धरती को ऊर्जा देने वाला सनलाइट नहीं बनता। बात उसी सनलाइट की हो रही है जिसे प्लांट्स प्रोसेस करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं। हमें बनाने वाला एक एक कण इसी फोटोन का एक अवतार है। ये फोटोन सूरज के अंदर ही दूसरे एटम्स के साथ टकराता रहता है, बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करता रहता है, कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, 50,000 सालों के लिए। अगर ये फोटोन 49,999 ईयर्स पर स्ट्रगल करना छोड़ देता तो आज ये पूरी दुनिया नहीं होती, सिर्फ अंधेरा होता। यही फोटोन जब सूरज के बाहर निकलता है तो 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है, अनस्टॉपेबल बन जाता है, पूरे यूनिवर्स को इल्यूमिनेट करता है। यानी आज जो आप बाहर रोशनी देख रहे हैं वो तब पैदा हुई थी जब हम इंसानों ने फार्मिंग सीखा भी नहीं था। तब से अब तक ये लाइट स्ट्रगल करके ही आप तक पहुंचा है। स्ट्रगल यूनिवर्स का नियम है, हर ग्रेट चीज एक स्ट्रगल के बाद ही हासिल हो सकती है, और ये बात हमें शिवजी सिखाते हैं। कनेक्शन क्या है? देव और असुर दोनों अमृत की तलाश में थे और समुद्र मंथन करने चले थे। उन्हें एक से बढ़कर एक चमत्कारिक चीजें तो मिली, लेकिन साथ ही साथ हलाहल नाम का एक पॉइजन भी मिला। ये विष पूरी दुनिया को खा जाता अगर शिवजी ना होते तो। शिवजी ने ये डार्कनेस खुद में समा ली और हमें प्रोटेक्ट किया। हलाहल का दूसरा नाम है कालकूटम, यानी ये उस डार्कनेस का सिंबल है जिसके अगेंस्ट आप एज अ फोटोन लड़ रहे, स्ट्रगल कर रहे हो, और शिव जी वो गारंटी है कि आज नहीं तो कल आप उस डार्कनेस के अंधेरे से बाहर निकलने वाले हो। बस ये मत भूलो कि आप लाइट के अवतार हो। अंधेरे से बाहर निकलने के लिए ये समझना जरूरी होता है कि अंधेरा उजाले का ऑपोजिट नहीं होता, अंधेरा उजाले का बस एब्सेंस होता है। लेसन नंबर 2, डोंट बी नाइस। हमारी जनरेशन की एक खास बात है कि हमें बहुत गुस्सा आता है, फिर वो गुस्सा किसी भी बात का हो सकता है। गुस्सा अपने हालातों पर हो सकता है, गुस्सा किसी और इंसान के ऊपर हो सकता है, गुस्सा अपने आप पर भी हो सकता है। और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल बनाए रखो, जस्ट बी नाइस। ये बेकार एडवाइस है, क्योंकि अगर गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हुआ तो उसका क्या होता है, वो कहां जाता है? वो गुस्सा आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है। हर कोई हमें सिखाता है कि गुस्सा एक बुरी चीज है, लेकिन ये सरासर झूठ है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें गुस्सा आता है, प्रॉब्लम ये है कि हमें गुस्से का इस्तेमाल करना नहीं आता। गुस्सा एक तलवार है, और अगर उस तलवार को हमने गलत डायरेक्शन में पकड़ा तो हमारा ही हाथ कट जाएगा, लेकिन अगर उस गुस्से का इस्तेमाल हमने सही तरह से किया तो वो हमारी ताकत बन जाता है। डेविड गॉगिंस को लोग वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन कहते हैं। उन्होंने 4,000 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 60 अल्ट्रा मैराथन कंप्लीट किए, US मिलिट्री के 3 कोर्सेज खत्म करने वाले वो इकलौते इंसान हैं। लेकिन वो पहले कुछ ऐसे दिखते थे, 140 किलो के हुआ करते थे, और आज वो कुछ ऐसे दिखते हैं। जब वो US नेवी ज्वाइन करना चाहते थे तो उन पर उनके ट्रेनिंग ऑफिसर हंसे। उन्होंने कहा, जब तक 84 केजीज के ना हो जाओ मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा, पहले 50 किलो वजन कम करो
फिर देखते हैं क्या होता है। उन्होंने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपनी हद को पार किया। What do you think? अगर उन्हें उस ट्रेनर की बात पर गुस्सा आया होता तो क्या वो वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन बन पाते? वेदों में शिवा को रुद्र कहा गया है, यानी गॉड ऑफ एंगर। यानी महादेव को भी गुस्सा आता है और आप और मुझ जैसे आम इंसान को भी गुस्सा आता है, लेकिन महादेव अपने तांडव से पूरी दुनिया का विनाश करने की ताकत रखता है और हम अपने ही गुस्से की वजह से अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। रुद्र इज नॉट जस्ट एंगर, इट्स कंस्ट्रक्टिव एंगर। एंगर हैज द पावर टू चेंज, बट ओनली इफ यू कैन चैनल इट। रुद्र यानी शिवा हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे लाइफ में हमें कुछ अचीव करना है तो सही डायरेक्शन में अपने गुस्से को चैनलाइज करना जरूरी होता है। अपने गुस्से को दबाना नहीं, उसे यूज करना सीखो। ओके, मस्त एडवाइस है, लेकिन करना क्या है? कुछ नहीं, बस अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करो। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, हम फास्ट और हैवी ब्रीदिंग करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाए तो हम हमारे एंगर को भी फोकस कर सकते हैं। इमीडिएट रिएक्शन देना छोड़कर एक स्टेप पीछे लेकर पॉइंट को समझ सकता है, लाइफ को इंप्रूव कर सकता है। लेसन 3, बी अ फेलियर। हम इंस्टाग्राम की दुनिया में रहते हैं जहां खुश होने का एक ही डेफिनेशन है। अपनी लाइफ को दूसरों के डेफिनेशन से जियो, एक सेट पाथ फॉलो करो, क्योंकि सक्सेस की एक टाइमलाइन होती है। अगर आप 21 की उम्र में ग्रेजुएट नहीं हुए तो आप एक फेलियर हो। अगर आपकी 35 तक शादी नहीं हुई तो आप एक फेलियर हो। अगर आपको बच्चा नहीं है तो आप एक फेलियर हो। अगर आप गाड़ी से नहीं ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो आप एक फेलियर। ये फेलियर की डेफिनेशन किस किताब में लिखी है पता नहीं, लेकिन बचपन से हमें पढ़ाई जरूर जाता है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हमारी खुशियों को डिक्टेट करने लगती हैं, और फिर हम सोचते हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, डू यू नो वाई यू आर नॉट हैप्पी? बिकॉज यू डोंट नो वॉट इट इज टू बी हैप्पी। एक सेकेंड वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या आपने सोचा है कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? दुनिया के डेफिनेशन के बारे में नहीं, अपनी पर्सनल डेफिनेशन के बारे में सोचो। क्या आपके पास ऐसी कोई डेफिनेशन है? नहीं ना, दैट्स द प्रॉब्लम। आज हमें पता ही नहीं है कि कौन सी बातें हमें खुश करती हैं और कौन सी नहीं। हम लोगों के एक्सपेक्टेशन के नॉइज में इतने खो गए हैं कि खुद के अंदर की आवाज सुनना ही भूल गए। भगवान शिव को हम आदि योगी कहते हैं, एक ऐसा इंसान जो पर्वतों में सालों के लिए अकेले बैठता है, तपश्चर्या करता है, जिसके पास खुद का ऐसे कुछ भी नहीं। तो आज के डेफिनेशन से शिवजी तो फेलियर है, राइट? शिवजी हमें सिखाते हैं दैट इट डजंट मैटर कि सोसाइटी आपको फेलियर मानती है या नहीं, जब तक आप अपने आप के नजर में गिरते नहीं हो तब तक आप हारते नहीं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली शिवा हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना सिखाता है। और ये कैसे होगा? इन एडिक्शन से नहीं, बल्कि अपने प्रोग्रेस के एडिक्शन से। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद कर देते हैं। लेट मी टेल यू अ 3-step स्ट्रेटजी दैट चेंज्ड माय लाइफ। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो इतनी सिंपल है दैट आई फील सॉरी फॉर ऑल दोस पीपल हु डोंट नो दिस। इसे कहते हैं 6-month रूल, जो आपकी लाइफ बदल देगी। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करो कि आपको पहुंचना कहां है, आपका टारगेट क्या है। स्पेसिफिक बनो, खुद को पूछो कि ऐसा क्या है जो अंदर से आपको खुशी देगा। फिर उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये सोचना बंद करो। अक्सर बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है लेकिन उन्हें कोई करियर पाथ नहीं दिखता, तो वो एक सेफ ऑप्शन चूज करते हैं और जिंदगी भर खुद को कोसते रहते हैं कि मैंने कभी ट्राई ही नहीं। ये दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। तो अपने आप से पूछो आपके लिए खुशी की पर्सनल डेफिनेशन क्या है। स्टेप 2 है गैप्स को ढूंढो। आपके आज की सिचुएशन और आपके आइडियल सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं, गैप्स होने वाले हैं। उन गैप्स को समझो, वन बाय वन लिखते जाओ कि आपके चैलेंजेस क्या हैं। हो सकता है कि ट्रेनिंग करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट ना हो, मेंटर ना हो। इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करो। ये एक्सेप्ट करो कि एनीथिंग वर्थ हैविंग विल नॉट कम फॉर इजी। जब आप ये समझोगे कि किन तरह के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे तो आप उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर पाओगे और फिर कोई भी चैलेंज आपको सरप्राइज नहीं कर पाएगा। स्टेप 3, कॉपी पेस्ट। आपका माउंट एवरेस्ट, आपका चैलेंज, आपका टारगेट कितना भी स्पेशल क्यों ना हो, इतना स्पेशल नहीं है कि आज तक किसी ने भी अचीव नहीं किया। आपके जैसे ही किसी ना किसी ने तो ये जर्नी की होगी। अगर आपको एक्टर बनना है और आपके इंडस्ट्री में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो उन लोगों को स्टडी करना स्टार्ट करो जिन लोगों ने बिना किसी कॉन्टैक्ट के अपना नाम बनाया। उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, उनके इंटरव्यूज सुनो। सिर्फ उनकी एक्टिंग को नहीं, उनके एक्टर बनने की जर्नी को समझो और उन्होंने जो किया उन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करो। रिजल्ट आपके सामने होंगे। शिवा एक सिंबल है, सेल्फ डिस्कवरी का सिंबल, इनर पीस का सिंबल, खुद को रीइन्वेंट करने का सिंबल।
आई बिलीव इन शिवा, क्योंकि शिवा हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत सिखाता है। आज के इस वीडियो में हमने शिवा ने सिखाए हुए प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ये सीखा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हमने सिर्फ 3 प्रिंसिपल सीखे हैं। ऐसे हजारों आइडियाज, हजारों प्रैक्टिकल लेसन छुपे हुए हैं हमारे एंशिएंट वेदों में, उपनिषदों में, हमारे इतिहास में। और हमारा मिशन यही है कि हम इस नॉलेज को एक ऐसी लैंग्वेज में आपके सामने ला पाए कि आप उसे समझ पाए और अपनी लाइफ बेहतर बना पाए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इंडियन नॉलेज को आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कृष्णा से मैंने क्या सीखा, 8 प्रैक्टिकल लेसन्स है जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। स्टूडेंट्स के लिए भगवत गीता कैसे रेलेवेंट है हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।